نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين وأولياء أمته والصالحين وعلينا معهم أجمعين أما بعد هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم صدق الله مولانا العظيم محترم مشائخ عظام معزز علماء کرام معتکفین و معتکفات جملہ سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات اور ٹی وی چینلز کے ذریعے 27ویں شب رمضان کے اس عظیم اجتماع میں شریک اطراف و اکناف عالم کی تمام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اس مبارک رات کے عظیم بابرکت اجتماع میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی. جس میں ہزار ہاتھ ایک کی تعداد، تو ایسے خوش نصیبوں کی ہے جو 10 دنوں کے لیے اللہ جل مجدہ کے حضور معتکف ہیں اور اس کے دروازے پر سائل اور منگتے بن کے بیٹھے اور شب و روز اس کو پکار رہے ہیں، اس کی طاعت و بندگی میں مصروف ہیں، اس کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، اس کے ذکر و عبادت میں مشغول ہیں. اور پھر اس رات یہ اجتماع جو باہر سڑکوں پر، گراؤنڈز میں، جہاں جہاں تک لوگوں کو جگہ ملتی ہے، یہ لاکھوں کی صورت اختیار کر جاتا ہے. سب لوگ جو آج کی بابرکت رات اللہ جل مجدہ کے حضور توبہ کے لیے اور حصول مغفرت و قربت کے لیے حاضر ہیں، یہ ان کی سعادت ہے جو محض اللہ تعالی کی توفیق سے نصیب ہوئی. آج رات کی اس مبارک مجلس میں گفتگو کا موضوع صدق ہوگا. صدق عرف عام میں سچائی کو کہتے ہیں، اور سچائی یا صدق سے مراد صرف عام گفتگو میں سچ بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی بڑا وسیع، جامع اور ہماگیر. صدق کی مختلف شکلیں ہیں اور مختلف صورتیں،
मैं इख्तिसार से आज की इस नशिस्त में सिद्क यानी सच्चाई की सात शक्लों पर अपनी गुफ्तगू को मुहित करूंगा, मगर इख्तिसार के साथ। सिद्क यानी सच्चाई, इसकी पहली सूरत है असिद्क फिल कौल, जुबान में, कौल में, गुफ्तगू में सच्चा होना। दूसरी सूरत है असिद्क फिल अमल, फिर उस सच्चाई को और सदाकत को अपने अमल में ढालना, जिंदगी के हर अमल में, हर फेल में, हर रवैये में सिद्क को, सच्चाई को नाफिज करना और जाहिर करना। फिर तीसरी शक्ल, जब सिद्क यानी सच्चाई इंसान के कौल यानी उसकी जुबां पर भी गालिब हो और इंसान के अमल में और उसकी पूरी जिंदगी में, उसके रवैये में भी गालिब व नाफिज हो, तो तीसरा दर्जा सिद्क का है असिद्क फिल वरा, फिर उसकी परहेजगारी में सिद्क होना चाहिए। वो बंदा अल्लाह का तकवा इख्तियार करे, रोजमर्रा के मामूलात में, अपनी इबादात में, अपने मुआमलात में, लोगों के साथ लेन देन में, अपने अखलाक में, अपने रिश्तों में, दीनी और दुनियावी तमाम उमूर में। वो शख्स खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, लेने में, देने में, अलगरज तमाम उमूर में, हर लम्हा हर लहजा अल्लाह का खौफ उसको दामनगीर रहे, वो परहेजगार रहे, हर हराम से, हर मकरू अमल से, हर ममनू अमल से, हर उस फेल से जिससे अल्लाह पाक ने मना किया, जिससे अल्लाह नाराज होता है, जो अल्लाह से दूरी का बायस बनता है, जो जहन्नुम का बायस बनता है, उससे अपने आप को बचाना। और कौल और अमल की तरह पूरी जिंदगी में परहेजगारी को इख्तियार करना, शुभात से भी बचना, शकूक से भी बचना, अपने दिलो दिमाग की सोचों को भी अल्लाह के अमर के ताबे करना, ताकि कहीं से भी न जिंदगी के जाहिर में न जिंदगी के बातिन में कोई कज रवि पैदा न हो, गलत रास्ता न निकल आए, अल्लाह की नाराजगी का कोई सबब पैदा ना हो जाए, जहन्नुम की तरफ ले जाने वाला, गुमराही की तरफ ले जाने वाला, सआदत और खुशबख्ती से महरूम करने वाला, बदबख्त बना देने वाला कोई रास्ता जिंदगी में किसी तरीक पर पैदा ना हो जाए। जब ये तीन सतह पर सिद्क और सच्चाई आ जाती है, कौल में, अमल में, वरा में, परहेजगारी में, तो इंसान की पूरी जिंदगी जो मालूम हो सकती है, मालूम हो सकती है, वो सिद्क और सच्चाई में ढांप ली जाती है। मगर फकत इन तीन दर्जों से सिद्क इंसान के लिए कामिल नहीं होता। फिर चौथा दर्जा है असिद्क फिन निया, परहेजगारी तो वो अमल था जो लोगों ने देखा, ये उसकी जिंदगी की एहतियात थी, ये कुरान और सुन्नत के अहकाम पर उसका अमल दरामद करना था, ये उसका तर्ज अमल था, ये उसका बिहेवियर था, ये उसका जिंदगी में बर्ताव था जो दिखाई देता है। हर जगह सच्चाई नजर आई, मगर एक शय ऐसी है जो किसी की आंख को दिखाई नहीं देती, किसी के कान को सुनाई नहीं देती, और जाहिर पे उसके वजूद का पता नहीं चलता, वो है नियत, जो हर फेल के पीछे छुपी है, हर अमल के पीछे छुपी है, उसके हर रवैये के पीछे छुपी है, हर एक मामले के पीछे छुपी है,
خواہ وہ معاملہ عبادت کا ہو یا دنیاوی امور کا ہو، تو اس کی نیت میں بھی صدق اور سچائی ہے یا نہیں، یا نیت میں کوئی ملاوٹ ہے. تو جیسے عمل خالص ہو گیا سچائی میں، قول خالص ہو گیا تھا سچائی میں، پرہیزگاری خالص ہو گئی صدق میں، اس طرح چاہیے کہ بندے کی ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر رویے اور ہر معاملے میں اس کی نیت بھی خالصتاً سچائی پر قائم ہو جائے، نیت میں بھی صدق آ جائے. یہ چار درجے ہوئے. اس کے بعد پھر پانچواں درجہ، الصدق فی الیقین والتوکل. جب انسان اپنے قول میں بھی سچا ہو جائے، اپنے عمل میں بھی سچا ہو جائے، اپنی پوری زندگی کے معاملات میں بھی پرہیزگار ہو جائے اور پرہیزگاری میں بھی سچا ہو جائے، اپنی نیت میں بھی سچا ہو جائے، تو پھر اس نیت سے ایک قدم اور آگے باطن کی طرف ایک سفر شروع ہوتا ہے. باطن کی طرف، وہ یہ کہ اس کے قلب و باطن میں اللہ پر یقین کتنا ہے، اللہ نے اس سے جو وعدہ کیا اس وعدے کے ہو جانے کا یقین کتنا ہے، اس کا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہونے پر یقین کتنا ہے، اللہ کے امر پر عمل کروں گا تو اصل کامیابی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کروں گا تو ناکام و نامراد ہو جاؤں گا، اس اصول پر یقین کتنا ہے، میرے ہر عمل کا حساب ہونا ہے اس کا یقین کتنا ہے، قبر کی شام مجھ سے پوچھا جانا ہے اس کا یقین کتنا ہے، قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے اس کا یقین کتنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہو کر ہر عمل کا جواب دینا ہے اور حساب و کتاب ہونا ہے اس کا یقین کتنا ہے. اب ان ساری باتوں کو ہم جانتے بھی ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں، مگر یقین میں کمزور ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے جب آخرت کی بات آئی تو فرمایا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. پہلے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ایمان کی بات کی بن دیکھے حقائق کو ماننے کے لیے، لیکن جب معاملہ آخرت تک پہنچا تو آخرت کے لیے فقط ایمان پر اکتفا نہیں کیا، فرمایا وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت پہ یقین کتنا رکھتے ہیں. تو دوستو، ایک ہوتا ہے ایک چیز کا علم ہونا، ایک ہوتا ہے اس چیز کا جو علم ہے وہ درجہ یقین تک پہنچ جائے. یقین اور ایقان اس وقت ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے علم میں ہے وہ آپ کے دل و دماغ اور آنکھوں کے سامنے ہر وقت مستحضر رہے، جس طرح میں آپ کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی شک نہیں کہ یہاں میں بیٹھا ہوں. اگر اس طرح جو آپ کے علم میں ہے وہ معلوم اگر یقین بن کر آپ کی آنکھوں کے سامنے آشکار ہو جائے، اور کبھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو اور کبھی آپ کی یادداشت سے پیچھے نہ جائے، تو اس کیفیت کو ایقان اور یقین کہتے ہیں. تو فرمایا پھر صدق ہے اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ کے خالق و مالک ہونے کا یقین، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین، اور پھر توکل. انسان تدبیر کرے اور انجام اللہ پہ چھوڑ دے، تو انسان بات تو کرتا ہے کہ میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں، مگر اللہ پہ چھوڑنا کہنا اور شے ہے، اور یقین کی حد میں چھوڑ دینا اور شے ہے. تو جب وہ کیفیت بن جائے قلب و باطن کی اور ہر وقت وہ یقین مستحضر رہے، تو پھر یقین و توکل میں صدق ہوگا. یہ پانچواں درجہ ہے. جب یہ بھی ہو جائے تو اس یقین اور توکل کے کامل ہونے سے بندے کا اللہ کی طرف توجہ اور رجحان پختہ ہوتا ہے. جب توجہ ہوتی ہے تو صدق کا چھٹا مرحلہ آتا ہے، اسے کہتے ہیں الصدق فی الطلب والارادہ.
कि फिर उसे तलब किस शय की है, वो तालिब किस शय का है, वो मुरीद किसका है, मुरीद यानी इरादा करने वाला, अल्लाह का इरादा कितना है उसके अंदर, अल्लाह की तलब कितनी है, अल्लाह के बुखड़े को तकने का शौक कितना है, अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश और आरजू कितनी है, वो जो तलब है अल्लाह की और वो जो इरादा है अल्लाह का, फिर उसका सिद्क उसका छठा दर्जा आता है। और जब इंसान ये पाए तो सातवां दर्जा असिद्क फिल महब्बा, फिर अल्लाह से मोहब्बत है, जिससे मोहब्बत है क्या वो उस मोहब्बत में सादिक है या नहीं। अगर मोहब्बत में सादिक होगा तो फिर मोहब्बत में कोई मिलावट ना होगी, और अगर मिलावट आ जाए तो मोहब्बत सिद्क से खाली हो गई। अब यहां मशायख भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, सुलहा भी बैठे हैं, अहलुल्ला भी बैठे हैं, जाकिरीन भी बैठे हैं, उनके खास जौक की ये चीज थी जिसलिए इस मौजू को लिया। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरा अल माईदा की आयत नंबर 119 में, ये कलेमा अल्लाह का है, वकाल अल्लाह, जब कयामत का दिन होगा तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं लोगो हाजा यौम, ये कयामत का दिन, ये वो दिन है, यन्फउस्सादिकीन सिद्कुहुम, इस दिन सिद्क वालों को उनका सिद्क नफा देगा, सिद्क वाले परखे जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सिद्क की बुनियाद पर अपने अंबिया की तारीफ की, बरगुजीदा रसूलों की तारीफ की, अंदाजा कर लें कि इस सिद्क और सच्चाई का दर्जा कितना बुलंद होगा कि बारी तआला ने बरगुजीदा रसूलों की तारीफ इस खूबी के साथ की और फरमाया वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया, और आप कुरान में इब्राहीम का जिक्र कीजिए, बेशक वो बड़े साहिब सिद्क सच्चाई के पैकर थे और नबी थे। फिर फरमाया वज़्कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिकल वादी वकान रसूलन नबिया, और आप इस किताब में इस्माईल का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो अपने वादा को हर सूरत पूरा कर देने वाले सच्चाई के पैकर थे और अल्लाह के रसूल और नबी थे। फिर इरशाद फरमाया बारी ताला ने, ये आयतें सूरह मरियम की थी, अब सूरह तौबा में फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सिद्क वालों के साथ हो जाओ, सिद्क वालों के साथ हो जाओ। अब सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, यहां तक सिद्क का जिक्र था, सच्चाई का जिक्र था, अब सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23-24 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब सिद्क का माना बयान किया है, सिद्क का मफहूम बयान किया है कि सिद्क से मुराद क्या है। फरमाया मिनल्लज़ीन रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैह, मोमिनों में से ऐसे मर्द भी हैं, मोमिनों में से ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने वो बात सच कर दिखाई जिस पर उन्होंने अल्लाह से अहद किया था। जब हमने कलेमा पढ़ लिया और यह कह दिया कालू रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, और हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जब हमने कह दी हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूं, मुझे अल्लाह काफी है, वो तवक्कल तो अलैही, और मेरा उस पर तवक्कुल है, जब अल्लाह से इस रिश्ते को जोड़ने की बात कर दी ईमान की सूरत में, तो कुरान कहता है कि ये बात करने वाले तो बहुत हैं मगर इस बात को
पूरा करके दिखाने वाले कुछ कुछ हैं, थोड़े थोड़े हैं, और वो हैं जो बात उन्होंने अल्लाह से की थी उस पर पूरे उतरे, सच कर दिखाया। فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, फिर उनमें से कोई ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा किया और शहीद हो गए राह हक में, बातिल से लड़ते लड़ते शहादत पाकर अपने वादे पूरे कर गए, और कुछ वो हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वक्त कब आता है कि हम अपना वादा पूरा कर दिखाएं और रब से मुलाकात का वक्त पाएं। और फिर फरमाया वमा बदलू तब्दीला, उन लोगों पर मुश्किल वक्त भी आए, फाके भी आते हैं, फक्र भी आता है, दुश्मनों की तरफ से अदावत भी आती है, तंगी भी आती है, मुश्किलात आती हैं, मसाइब आते हैं, आलाम आते हैं, बहुत मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात के जकड़ उनके कदमों को मुतजलजल करना चाहते हैं। वमा बदलू तब्दीला, मगर जिनके दिलों में सिद्क आ गया है वो हालात जितने भी बदल जाएं अल्लाह से किए हुए अपने कौल को रत्ती बराबर बदलने पर तैयार नहीं होते, अल्लाह के साथ किए हुए वादे को बदलते नहीं, इस्तिकामत के साथ रहते हैं। फरमाया कि जो लोग हर हाल में अल्लाह के साथ किया हुआ वादा पूरा कर दिखाएं और हालात का तमव्वुज, हालात की मौजें लहरें उनके रास्ते को बदल न सकें, लियज़ियल्लाहुस्सादिकीन बिसिद्क़िहिम, फिर अल्लाह ऐसे सच्चों को उनकी सच्चाई की जजा अता करेगा, ऐसे सिद्क वालों को उनके सिद्क का बदला अता फरमाएगा। तो कुरान मजीद ने गोया वाजे कर दिया कि सच्चाई से मुराद सिर्फ कौल और जुबान का सच्चा होना नहीं है, अल्लाह के हां सच्चा कोई शख्स उस वक्त करार पाता है जब वो इम्तिहान पे पूरा उतरता है, जब वो मुश्किलात का सामना करके अपने किए हुए अल्लाह के साथ वादे को सच्चा साबित करके दिखाता है। तो गोया सिद्क सिर्फ कौल का नहीं, सिद्क अमल का है। इसलिए अब कौल के सिद्क की तरफ से बात शुरू करते हैं। इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आपने भी अल्लाह से वादा किया, आप भी इस मुल्क के गरीबों के लिए उठे, अहद किया, बेवगान के लिए अल्लाह से अहद किया, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, लुटे हुओं के लिए, परेशान हाले करोड़ों इंसानों के लिए आपने भी अल्लाह से अहद किया कि हम इनकी तकदीर बदलेंगे। आप उठे 23 दिसंबर को भी उठे और जनवरी के लॉन्ग मार्च में आए, मगर अल्लाह आपके वादे को सच्चा करके दिखाना अभी इसको तक रहा है। सुन लो कि वो उठना वो आजान थी, वो हक की आवाज के लिए आजान बुलंद की थी, वो सफर खत्म नहीं हुआ। सच्चाई पे वादा करने वालों अभी इकामत होनी है और जमात होनी है। दिसंबर और जनवरी में आपने आजान दी थी, अब जमात होगी। जब 1 करोड़ नमाजी तैयार हो जाएंगे और वो अपनी सच्चा वादा पूरा करने को बिल्कुल मंजरे आम पे आएंगे, फिर इकामत होगी और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होगी और जमात खड़ी होगी। जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होगी तो मतलब होगा कि बड़ा सिर्फ अल्लाह है, बाकी शैतानी बहुत सारे पाश पाश कर दिए जाएंगे। और सिद्ध कमाना, सच्चों का माना यह है कि जैसे आपके कुरान ने कहा और पाकिस्तान के आईन ने भी कहा कि हुकूमत का हक सिर्फ उन लोगों को है जो सादिक और अमीन हो, कुरान का लफ्ज सादिक और अमीन हो। अभी तक 60 साल में सादिक और अमीन लोगों को मुल्क नहीं मिला। अभी तुम्हारे वादे का इम्तिहान है कि आप उन लोगों को जिन्होंने 60 बरस तक
पाकिस्तान के गरीब आवाम का खून चूसा है, दौलत लूटी है, हराम कमाया हराम खाया है, उन बुतों को तोड़कर सादे और अमीर लोगों को किस तरह लाते हो? फिर अल्लाह की मदद उतरेगी जब आप अपने कॉल पर सच्चा होना साबित करके दिखा देंगे। नारे रिसालत इंकलाब इंकलाब। मैं ये बता दूं, सुन लो, हमने न दिसंबर में सियासत की न जनवरी में सियासत की। हम रिवायती सियासत में बिलीव नहीं करते, न मैं सियासत रिवायती करता हूं। मैंने खुदा और मुस्तफा के हुक्म को निभाया और दीनी फरीजा अदा किया और ताजदार कायनात के हुक्म को निभाएंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की बागडोर सादिक और अमीन लोगों के हाथ तक पहुंचाएंगे। तो याद, अजान देने वालों ठंडे न पड़ना, गाफिल न पड़ना। 1 करोड़ नमाजियों की जरूरत है, 1 करोड़ नमाजियों की। जब जमा होंगे तो फिर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होगी, जब जमात खड़ी होगी तो शैतान भाग जाएंगे। इनकलाब 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 इनकलाब। जवानियां लुटाएंगे, जुर्रत और बहादुरी, जुर्रत और बहादुरी। सामईन हजरात, मैंने कहा सिद्क का पहला दर्जा कौल का सिद्क, जुबान की सच्चाई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला इबन मसूद रजी अल्लाह तआला ने हदीस के रावी फरमाया, इन सिद्क यहदी इलल बिर व इन अल बिर यहदी इलल जन्ना, कि सच्चाई बंदे को नेकी की तरफ ले जाती है। मेरी आवाज सुनने वालों, अपनी जिंदगियों से झूठ निकाल दो। आज की रात सच्चाई का तोहफा लेकर जाओ ताकि खुदा की रहमत का दरवाजा सरजमीन पाकिस्तान पे खुल जाए, आलम इस्लाम पर खुल जाए, उम्मत मुहम्मदी पर खुल जाए। फरमाया कि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती। वइन्नर रजुला लयस्दुकु हत्ता यकून सिद्दीका, और बंदा जब हर वक्त सच्चाई को अपनाता रहता है और कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं करता, जाहिर और बातिन में सच्चाई का पैकर बना रहता है, तो करते करते अल्लाह उस बंदे को सिद्क के मर्तबे से उठाकर सिद्दीक बना देता है। और सिद्दीक होना गोया हजरत सिद्दीक अकबर का फैज पाना है। हजरत सिद्दीक अकबर के अजीम किरदार की झलक अपने अंदर पैदा करना है। वो सिद्दीक अकबर थे, अल्लाह चाहता है आप सिद्दीक हो जाएं, उनके पैरोकार बन जाएं सच्चाई के साथ। व इन्नल कज़ब यहदी इलल फुजूर, अगर झूठ बोलोगे जिंदगियों में झूठ, तो वो गुनाह की तरफ और बुराई की तरफ ले जाता है, बदी की तरफ ले जाता है। व इन्नल फुजूर यहदी इलल नार, और बदी और बुराई दोजख की तरफ ले जाती है। और बंदा झूठ बोलता रहता है हत्ता के हत्ता युक्तबा इंदल्लाह कज़्ज़ाबा, अल्लाह के हां वो शख्स कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। आज रात तौबा करके जाओ हर किस्म के कज़ब और झूठ से, और वादा करके जाओ जाहिर और बातिन में हर किस्म की सच्चाई का। सच्चाई को जिंदगी बना लो। इसी तरह आका अलैहि सलाम ने फरमाया, यह बात बड़ी तवज्जो तलब है, सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, हजरत सहल बिन हुनैफ, आपने इरशाद फरमाया, बल्कि अभी हजरत अबू उमामा अल बाहली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को सुन लीजिए। सिद्क, ये कौल के सिद्क से बढ़कर अब अमल का सिद्क। आप फरमाते हैं कि जा रजुलुल इनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल अरैत रजुलन खजा यल्तमिसुल अजरा वज़्ज़िक्रा मालहू, एक शख्स ने आकर आका अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह,
एक शख्स जिहाद कर रहा है, जिहाद करना चाहता है, और उस जिहाद से वो दो चीजों का मकसद उसके पेशे नजर है। एक आखिरत का अजर भी चाहता है, जिहाद इसलिए करना चाहता है कि आखिरत का अजर व सवाब मिले, व जिक्र, और यह भी चाहता है कि दुनिया में शोहरत मिले, नाम वरी मिले, नाम बड़ा हो। मा लहू, तो आका अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, आका उसको क्या मिलेगा? वो दो चीजें बयक वक्त चाहता है जिहाद से, दो मकासद लेकर। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सिद्क की अहमियत को समझें कि सिद्क क्या है, सच्चाई क्या है। आका ने फरमाया ला शै अलहू फआदहा सलासा मर्रातन, फरमाया उसे कुछ नहीं मिलेगा, और तीन मर्तबा कलिमात को दुलाया। यकूल लहू रसूलुल्लाह ला शै अलहू ला शै अलहू ला शै अलहू। जो शख्स एक अमल से, जिहाद के अमल से आखिरत का अजर भी चाहता है और दुनिया की नाम वरी भी चाहता है, दो चीजें मिलाकर लेना चाहता है, फरमाया उसको कोई अजर नहीं मिलेगा, आखिरत में कोई अजर नहीं मिलेगा। थुम्मा काला इन्नल्लाह ला यक्बलु मिनल अमल इल्ला मा कान लहू खालिसा वब्तुगिया बिही वजहू। अल्लाह ताला सिर्फ उस अमल को कबूल फरमाता है और सिर्फ उस अमल पे अजर अता करता है कि जो खालिसतन अल्लाह के लिए किया गया हो और जिसके अंदर मकसद और नीयत महज अल्लाह की रजा हो। जो अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नहीं किया गया, जो अमल खालिसतन अल्लाह की खातिर नहीं किया गया, उस पर अल्लाह अपनी आखिरत का अजर और अपनी कुर्बत का अजर अता नहीं करता। अब आप देखिए, एक तरफ एक शख्स मैदान जंग में है, जिहाद पर है, गजवा में है, जंग लड़ रहा है, जान की बाजी लगा रहा है, मेहनत और मुशक्कत उठा रहा है, हर लम्हे उसको अपनी मौत का डर है, इस मुकाम पर खुद ला खड़ा किया उसने, मगर चूंकि उसकी नीयत में सच्चाई और सिद्क नहीं, वो दुनिया का मफाद शोहरत और नाम भरी भी चाहता है और आखिरत भी चाहता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। एक तरफ इस हदीस को सामने रखें, दूसरी तरफ आका अलैहिस्सलाम का एक और फरमान सामने रखें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मजमून हजरत सहल बिन हुनैफ रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल मन सअलल्लाह अश्शहादत बिसिद्क बल्लगहुल्लाह मनाज़िल अश्शुहदा व इम्मात अला फिराशिही, रवाहु मुस्लिम व अबू दाऊद व नसाई व इब्न माजा। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने सही में, अबू दाऊद, नसाई और इब्न माजा ने रिवायत किया, हदीस ये सही। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स सिद्द के दिल के साथ शहादत का तलबगार हो, जिसके दिल में सच्ची आरजू हो, ख्वाहिश हो, शदीद आरजू हो कि बारी ताला मुझे शहादत की मौत अता कर, मगर वो जिहाद पे न जा सके, उसे ये नेमत न मिले, ये मौका न मिले, और बिल आखिर जब मौत आए तो घर में बिस्तर पे मौत आ जाए, मगर दिल में आरजू सच्चाई के साथ शहादत की थी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक वो बिस्तर पर तभी मौत मर गया, मगर अल्लाह पाक उसका दर्जा शोहदा में दर्ज फरमाएगा। उधर एक शख्स मैदान जंग में तलवार लेकर गजवा और जंग में मसरूफ है, लड़ रहा है, जान की बाजी लगा रहा है, मगर चूंकि उसकी नीयत और तलब खालिसतन अजर आखिरत की नहीं, उसमें दुनिया के मफाद की मिलावट है, वो अजर से महरूम कर दिया गया। दूसरी तरफ एक शख्स मैदान जंग में जा ही नहीं सका, बिस्तर पे घर में तभी मौत मर गया है, मगर उसका नाम शुहदा में दर्ज हो गया, सिर्फ इसलिए कि सच्चे दिल के साथ वो तालिबे शहादत था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोया उसके जाहिरी अमल को नहीं देखा, उसके दिल के सिद्क को देखा है।
लोगों, अमल तब कबूलियत पाते हैं जब उन्हें सिद्क और सच्चाई नसीब हो जाए। हमारी दुश्वारी जिंदगी में यह है, बहुत से लोग नेकियां करते हैं, बहुत से लोग कुरा हैं, कुरान की तिलावत और किरात करते हैं, बड़े जौक से करते हैं, लोग झूम उठते हैं, मगर अगर तिलावत कुरान और किरात कुरान का मकसद और दिल में नियत ये हो कि लोग वाह वाह करें और मैं बड़ा कारी हो जाऊं और मुझे इसके इवज दुनिया मिले, सुनने वाले जन्नत पा जाएंगे, पढ़ने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। फिर हम में नात खां, मदा खां, आकर सलाम की नात पढ़ते हैं, एक इधर नात पढ़ने वाले हैं, उधर नात को सुनने वाले हैं, सुनने वाले ने झूम झूम कर मुस्तफा की जुल्फों की बात सुनी, चेहरे मुस्तफा के हुस्न का बात सुनी, जलवे मुस्तफा की बात सुनी, मदीना के गली कूचों की बात सुनी, वो आका के इश्क में मस्त हो गया, फना हो गया, वो हुजूर की नात सुनता रहा, उसकी आंखों से आंसुओं की जड़ी बंध गई, वो तो सब कुछ पा गया, कुर्बत मुस्तफा भी पा गया, अजर भी पा गया, मोहब्बत और जौक भी पा गया, मगर पढ़ने वाला नात खान अगर उसे पैसे और माल के लिए पढ़ रहा था, इसलिए पढ़ रहा था कि मेरी झोली भरे, सुनने वाले सब कुछ लूट गए और पढ़ने वाला लुट कर खाली दामन चला गया, उसको कुछ ना मिला। इसलिए कि अल्लाह के हां अमल का एतबार तब होता है कि अमल के पीछे दिल में उसकी नीयत सिद्क और सच्चाई पर कायम है। कारियो, कुरान को कुरान के इश्क में पढ़ा करो, अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ा करो। नात खानों, नात मुस्तफा, इसको इश्क मुस्तफा में पढ़ा करो, किसी के पैसे पे नजर न रखो। हुजूर के नात खान से बड़ा कायनात में कोई अमीर और गनी कोई नहीं, और कुरान के कारी से बड़ा सारी कायनात में कोई गनी कोई नहीं, कुरान से बड़ी खीना और दौलत कोई नहीं, और कुरान पढ़ने वाले से बड़ा कोई गनी नहीं, बशर्ते के पढ़ने वाला लोगों का फकीर न बने। हुजूर का मदा खान, सना खान, उससे बढ़कर गनी कोई नहीं, बशर्ते के वो फकीर फकत मुस्तफा का रहे, निगाह गुंबदे खजरा पे रहे, लोगों के हाथ और लोगों की जेब पर न रहे। सिद्क है, नमाज पढ़ने वाले की नमाज रद्द हो जाती है अगर सिद्क के दिल से न पढ़ी गई, उसको रियाकार कहा और फरमाया जहन्नुम में ले जाएगी। जिहाद करने वाले का जिहाद रद्द हो गया अगर नियत में आखिरत के साथ दुनिया मिल गई। इल्म दीन हासिल करने वाला, आका ने फरमाया जहन्नुम का ईंधन बनेगा अगर अल्लाह की रजा के सिवा और अल्लाह के कुर्ब और मारिफत के सिवा उसने दुनियावी गरज के लिए इल्म दीन हासिल किया। हर अमल याद रख ले, कबूलियत पाता है, बुलंद दर्जा पाता है सिद्ध के दिल के साथ, कि उसकी नियत में, उसकी तलब में, उसकी आरजू में कितना सिद्क है, कितनी सच्चाई है। अब आप इससे बढ़कर क्या देखते हैं कि शहादत जैसा रुतबा घर में चारपाई पे मरने वाला पा रहा है और मैदान जंग में लड़ने वाला महरूम हो रहा है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस पाक, अन्नहु ज़ुकिर इंदहु शुहदा, हदीस पाक में है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया मुसनद में और इब्न अबी शैबा ने, कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है मजलिस में, आपकी बारगाह में शुहदा का जिक्र हुआ, शुहदा का जिक्र हुआ। आप मशायख सारी यहां करके जाएंगे, हजरत आप सारी यहां करके जाएंगे, सब इनका इंतजाम करें, मशायख के सब की सारी का इंतजाम करें, इसलिए कि अभी बातें जो आपके लिए खास हैं वो आखिर में आनी है, ये इब्तिदा हो रही है। जब अपनी मजमून को अंजाम पे ले जाएंगे फिर हम किसी और दुनिया में चले जाएंगे, ये बुनियाद रखी जा रही है। तो मैं चाहता हूं जब उस दुनिया में दाखिल हो तो वो हिस्सा सुने। तो मैं अर्ज कर रहा था आका की मजलिस में शुहदा का जिक्र हुआ कि शुहदा कौन लोग हैं, उनका दर्जा क्या है, नसीब क्या है। फकाल, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन अक्सरा
शुहदाए उम्मती अस्हाबुल फुरुश। हाय 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 हाय, आकर सलाम ने फरमाया लोगों सुनो, मेरी उम्मत के अक्सर शुहदा जो शहीद हैं उनकी अक्सरियत वो है, अक्सरियत जो घरों में बिस्तर पे वफात पाएगी। अल्लाह अकबर, मेरी उम्मत के शहीदों में शहीदों की अक्सरियत ऐसी है जिनकी वफात अपने घरों में बिस्तर पे होगी, वो असहाबुल फुरुश हैं, बिस्तर पे फौत होंगे मगर शहीद होंगे। पूछा आका ये कैसे, फरमाया रुब कतील बैन सफ़ैन अल्लाह आलम बनियत ही, तुम तो इतना ही देखते हो ना कि इनके हाथ में बंदूक थी तलवार थी और ये कुफार के मुकाबले में सफ दर सफ लड़ रहे थे, तुम उनका लड़ना देखते हो, खुदा उनके दिलों की नीयत को देखता है कि वो लड़ किस लिए रहे थे, उनकी नीयत क्या थी। इस वजह से आका अलैहिस्सलाम ने उसूल वजा फरमा दिया और फरमाया कि वही लोग, सिर्फ वही लोग अल्लाह के हां शहीद हैं और दर्जा शहादत को पाते हैं जिनके दिलों में उस शहादत की तलब में सिद्क है। इसके बाद हजरत मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु जब यमन रवाना होते हैं तो अर्ज किया, इमाम हाकिम इमाम अबू नुएम और बेहकी ने रिवायत किया, अर्ज किया या रसूलल्लाह औसे नहीं मुझे कोई वसीयत फरमा दें। आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें यमन का चीफ जस्टिस बना के भेजा और यमन का गवर्नर भी बनाया, उस वक्त एग्जेक्टिव जुडिशरी वगैरह की तकसीम न थी, यमन का काजी बनाकर भेजा। अर्ज किया आका मुझे कोई नसीहत फरमा दें, मेरे आका ने एक लफ्ज की नसीहत की, फरमाया अखलिस दीनक यकफिकल अमलुल कलील, मुआज़ अपने दीन को इबादत को तात गुजारी को जिंदगी में अल्लाह की बंदगी को सिद्क के साथ खालिस कर ले, थोड़ा अमल करोगे वो भी कसीर हो जाएगा, थोड़ा अमल करोगे वो भी कसीर हो जाएगा। फिर आका अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, आवाज दी, काला नादा रजुलुन फकाला या रसूल अल्लाह मल ईमान, एक शख्स ने आवाज दी दूर से, अर्ज किया या रसूल अल्लाह ईमान क्या है, काला अल इखलास, ईमान दिलों का सिद्क और इखलास से मुजयन हो जाना है, अगर दिल में सच्चाई और इखलास आ जाए और अल्लाह की तलब में कोई गैर शरीक न रहे और दिल को यह कैफियत खालिस नसीब हो जाए तो इस खालिस कल्बी कैफियत का नाम ईमान है। फिर पूछा या रसूलल्लाह एक हदीस में है इस्लाम क्या है, फरमाया नमाज को कायम करें, जकात दें, यानी अहकाम और वाजिबात पूरे करें। पूछा ईमान क्या है, फरमाया दिलों का साफ खालिस अल्लाह के लिए हो जाना। पूछा यकीन क्या है, आका ने फरमाया मौत और अल्लाह के हुजूर पेश होना तुम्हारी आंखों के सामने रहे, तो ये यकीन है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी तरह हजरत मुआज़ इब्ने जबल बैठे हैं और उनकी हदीस हजरत अब्दुर्रहमान बिन खन्म रिवायत कर रहे हैं, दिमश्क की मस्जिद में हजरत अब्दुर्रहमान बिन खन्म एक मजलिस में जिसमें हजरत मुआज़ इब्ने जबल भी तशरीफ फरमाए, फरमा रहे हैं कि लोगो इन्ना अखवाफा मा अखाफु अलैकुम अश्शिर्कुल खफी, लोगो सबसे बड़ी खौफनाक चीज जिससे मैं डरता हूं और तुम्हें डराता हूं वो छुपा हुआ शिर्क है, छुपा हुआ शिर्क, शिर्क खफी। उन्होंने पूछा हजरत मुआज से क्या आपने आका से सुना नहीं था, हुजूर ने फरमाया था मन सामा रियान फकद अशरका, जिसने रोजा रखा मगर दिखलावे के लिए उसने अल्लाह से शिर्क किया, मन तसद्दा का रियान फकद अशरका, जिसने सदका और खैरात दिया दिखलावे के लिए उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, वह मन सल्ला रियान फकद अशरक, जिसने नमाज पढ़ी दिखलावे के लिए उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। कैसे शिर्क हुआ कि नमाज तो खालिस अल्लाह के लिए थी, अल्लाह को राजी करना था, अल्लाह को तकना था, उसका कुर्ब पाना था, उसकी रजा पानी थी, और तुमने जहां सिर्फ अल्लाह को देखना था
उसमें लोगों का दिखलावा भी शामिल कर दिया, तो लोगों को अल्लाह के मुकाम पे ला खड़ा किया। ये रिया शिर्क बन गई। सदका खैरात अल्लाह की रजा के लिए थी, तुमने लोगों में सखी कहलाना अल्लाह के साथ मिला दी, इस नीयत को शिर्क हो गया। रोजा अल्लाह के लिए था, इबादत अल्लाह के लिए थी, कोई भी तात अल्लाह के लिए थी, तुमने उसमें जब लोगों को मिला दिया तो वो शिर्क हो गया। इसलिए अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बड़ी खतरनाक चीज शिर्क है, शिर्क खफी रिया, और सबसे बड़ा नफा मंद सौदा सिद्क है ईमान में। हजरत इमाम हारिस मुहासिबी बयान करते हैं, जो शख्स मन अरादा लज्जत ताम अहल जन्ना, सुभान अल्लाह, आप फरमाते हैं जो शख्स अहले जन्नत के खाने की लज्जत चखना चाहे, जो शख्स चाहे कि मरेंगे तो खुदा जाने किसी का ठिकाना क्या होगा, मगर जिंदगी में चाहे कि जो खाना अहले जन्नत को मिलेगा कुछ उसका जायका लज्जत हम भी चख लें, जिंदगी में जन्नत के खाने की लज्जत चखना चाहो तो फरमाया फल यसहबिल फुकरा अस्सादिकीन, फिर साहिबान सिद्क फुकरा की सोहबत में बैठा करो। अहले सिद्क फुकरा की सोहबत में बैठने से जन्नत के खानों का जायका नसीब हो जाता है। अस्सिद्क नूरुन यस्कुनु फील कल्ब युनाफिल अज़दाद, सिद्क वो नूर है कि जिस दिल में सच्चाई का नूर बस जाए, सच्चाई के खिलाफ सारे गुनाह अल्लाह पाक उस दिल से निकाल देता है, दिल से निकाल देता है। और सिद्क फिर ऐसी हजरत इमाम जुनैद बगदादी ने फरमाया, ये सिद्क और इखलास जो दिलों की कैफियत है, ये अल्लाह का राज है, और एक ऐसा राज है ला यालमहु मलकुन फयक्तुबहु, इसकी खबर फरिश्तों को भी नहीं होती कि वो लिख लें, वला शैतानुन फयुफसिदहु, इसकी खबर शैतान को भी नहीं होती कि वो तुम्हारी नीयत को खराब कर दे, वला हवा फयुबीलहु, हवाए नफ्स को भी पता नहीं चलता कि वो तुम्हारा रास्ता ना बिगाड़ दे। फरमाया कि जो शख्स साहिब सिद्क है, असादे को यतकल्लब फिल योम अरबईन मर्रा, साहिब सिद्क की पहचान यह है कि वो हर अमल अल्लाह की रजा के लिए करता है, हर गैर को दिल से निकाल देता है, उसकी नीयत में किसी गैर की आलूदगी नहीं होती, फकत अल्लाह के कुर्ब उसकी रजा के लिए अमल करता है, और जब अमल देख लेता है, करने के बाद अमल को देखता है तो वो समझता है कि नहीं, मेरा अमल अभी अल्लाह की कुर्बत की शान के लायक न था, उसको रिया समझता है, अगले लम्हे अपने अमल को और खालिस करता है, सफाई करता है, उसमें और सिद्क का नूर भरता है, जब अमल कर लेता है फिर अमल को देखता है तो कहता है नहीं, मेरा अमल अगर अल्लाह की मजलिस और उसकी कुर्बत की शान के लायक नहीं, फिर मेहनत करता है, इस तरह हालत बदलता चला जाता है। तो जो सादिक है अहले सिद्क, फरमाया कि एक दिन में 40 हालतें बदलते हैं, लम्हा लम्हा अल्लाह की कुर्बत में सिद्क की सीढ़ी पर चढ़ते हुए, इखलास की सीढ़ी पर चढ़ते हुए तरक्की करते चले जाते हैं। और जो रियाकार मुनाफिक है 40 साल भी गुजर जाएं वो उसी एक हालत में रहता है, क्योंकि उसका मकसद दिखलावा है, वो अपने अमल पे परेशान नहीं होता, अपने अमल पे परेशान नहीं होता। हजरत इमाम जुन्नून मिस्री ने फरमाया, आज इल्म मौजूद है मगर अमल खत्म हो गया। लोगों इल्म मौजूद, और ये कौन कह रहा है? हजरत जुन्नून मिस्री। अरे आज से 1200 साल पहले का हाल, वो जमाना जिस जमाने की हवाओं ने, हवाओं में फुजैल इयाज के सांस थे, फुजैल इब्न इयाज के, अब्दुल्ला बिन मुबारक जिस जमाने में बसते थे, जिसमें इब्राहिम बिन अदब बसते थे, जिसमें बिशर अल हाफी बसते थे, जिसमें जुनैद बगदादी बसते थे, वो जमाना जुन्नून मिस्री जिसमें बसते थे, अपने जमाने में कह रहे हैं कि आज
इल्म रह गया, अमल उठ गया, और अगर अमल है तो अमल रह गया, उसमें से सिद्क और इखलास उठ गया, इखलास। और फरमाया फिर मोहब्बत रह गई, मगर मोहब्बत में सिद्क उठ गया, मोहब्बत भी खालिस न रही, उसके अंदर सिद्क उठ गया। इस तरह औलिया कराम ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक में सिद्क को हासिल करना, लोगों इसकी इब्तिदा अपनी जिंदगी में कौल से होगी। पहले हर कौल को सच्चा करें और झूठ को अपने कौल से निकाल दें। इस कौल की सच्चाई की बरकत से अल्लाह सिद्क को आपके अमल में डालेगा। फिर अपने अमल को सच्चा करें, हर अमल को देखें, आप खुद अपने अमल का मुशाहदा करने वाले, मुराकबा करने वाले, निगेबानी करने वाले हैं, अपने मुमतहिन हैं। बंदे से बेहतर अपने कल्ब के हाल को कोई नहीं जानता कि मैं किसके साथ ये मामला किस नीयत से कर रहा हूं। अमल को बेहतर करें, अल्लाह की नाफरमानियां जिंदगी में छोड़ दें, ताकि कौल भी साहिबान सिद्क का बने, अमल भी साहिबान सिद्क का बने, और फिर उसके बाद अपनी वरा तकवा और नीयत को सिद्क से आरास्ता करें, ताकि नीयतों में अल्लाह के सिवा कोई और शरीक न रहे, नीयतों में अल्लाह के सिवा कोई और शरीक न रहे, और यह सूरत हो जाए फिर अपनी तरफ अल्लाह के लिए खालिस कर लें, अल्लाह के तालिब बनो। लोगों आज की रात अल्लाह के तालिब बनो, अल्लाह की तलब के सिवा दुनिया की हर तलब झूठी है, दुनिया की हर तलब लग्व है, दुनिया की हर तलब बातिल है। हमें दुनिया की तलब ने बर्बाद कर दिया, हमें दुनिया के माल और दौलत की तलब ने अल्लाह से दूर कर दिया, हमें दुनिया की शोहरत नामवरी और शहवत की तलब ने अल्लाह का नाफरमान कर दिया, हम आखिरत को भूल गए, रब को भूल गए। नतीजतन न दुनिया में इज्जत मोमिन को मिली, ना आखिरत की इज्जत रही। लोगों अपने कौल को सच्चा करो, अपने अमल को सच्चा करो, फिर अपनी नीयत को सच्चा करो, नीयत और इरादे को सच्चा करो। इसलिए कि औलियाए कराम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी आसमानी किताबों में यह उतारा है। अल्लाह पाक ने फरमाया मन अरादा ना अरद ना हो, अगर नीयत इरादा और तलब सिद्क से भर जाए, उससे गैर निकल जाए, अल्लाह के सिवा कोई और ख्याल भी आपकी तलब और इरादे में न रहे, नीयत में न रहे, तो उसका अजर क्या है? अजर सुनिए, अल्लाह पाक फरमाते हैं अपनी कुतुब में जो आसमानी कुतुब जमीन पर अंबिया पे नाजिल की, फरमाया मन अरादा ना अरद ना हो। अल्लाह पाक ने फरमाया जो हमारा इरादा करता है हम उसका इरादा कर लेते हैं, जो हमारी तरफ ध्यान करता है हम उस बंदे की तरफ ध्यान कर लेते हैं, जो हमारी तरफ चेहरा करता है हम अपना मुखड़ा उस बंदे की तरफ कर लेते हैं। वह मन अराद मिन्ना अतैना हो, और जो हमसे किसी शय का इरादा करता है हम उसे वो शय अता कर देते हैं। लोगों दो चीजों में बड़ा फर्क है, फरमाया जो हमसे कोई शय मांगता है, किसी शय का इरादा करता है हमसे, तो हम उसे वो शय अता कर देते हैं, और जो हमसे कोई शय नहीं मांगता, हमसे हम ही को मांगता है, हमारा इरादा करता है, उसकी जजा क्या है? फिर हम उसका इरादा करते हैं। और फरमाया वह मनिक तफा बिना, जो हम पर तवक्कुल करें और हमें काफी जाने, जो बंदा होकर मुझे रब को काफी जाने, कुन्ना लहू व मालना, हम उसके लिए हो जाते हैं, और जो कुछ मेरी कुदरत में है सब उसके लिए कर देता हूं। अला मन तलबनी वजदनी व मन तलब गैरी लम यजदनी, खबरदार सुन लो जिसने मुझे तलब किया मेरी इज्जत की कसम मुझे पा लेगा, और जिसने मेरे सिवा
गैर को तलब किया फिर वो मुझे नहीं पाएगा। वो जिस शय को तलब करेगा वही शय मिलेगी। जिसने मुझे तलब करना है फिर वो हर शय को भूल कर अपने दिल का रुख फकत मौला के मुखड़े की तरफ कर ले। इसलिए फरमाया औलिया ने अला मन तलबनी, अल्लाह का कलाम, बितौबते वजदनी बिल मगफिरा, जिसने तौबा के जरिए अल्लाह को तलब किया अल्लाह उसके पास मगफरत लेकर आता है। अल्लाह मगफरत के साथ उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। जो नेमतों पर शुक्र के साथ अल्लाह को तलब करता है अल्लाह नेमतों को ज्यादा करते हुए उसको उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। जो दुआ के साथ अल्लाह को तलब करता है अल्लाह इजाबत के साथ वो बंदा अल्लाह को इजाबत के हाल में पाता है। जो तवक्कुल के साथ अल्लाह को तलब करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जो कुर्बत के लिए अल्लाह की कुर्बत को तलब करता है अल्लाह उसको अपना उन्स और मोहब्बत अता कर देता है। जो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के साथ तलब करता है अल्लाह उसे अपना विसाल अता कर देता है। और जो अल्लाह को इश्क के साथ तलब करता है अल्लाह उसको अपना दीदार अता कर देता है। हाजरीन मोहतरम, ये जो बुनियादी चीजें में ये रख लें कि जब अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा ईमान का ताल्लुक, तो फिर उस ताल्लुक को इतना खालिस करें कि साहिबान सिद्क बने, साहिबान सिद्क बने। हजरत बायजीद बिस्तामी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते आप फरमाते अदना मुकामातुल आरिफ अन यमुर अलल मा व यतीरु फिल हवा। फरमाते हैं कि जो आरिफ हैं औलिया, अगर कोई वली पानी पर चले और हवा में उड़े तो फरमाया ये आरिफों का सबसे घटिया मुकाम है। पानी पे चलना और हवा में उड़ना जिसे हम करामत और बहुत ऊंची शय देखते हैं, सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया कि हवाओं में उड़ना पानी पे चलना ये मुकाम आरिफों का और अल्लाह के बरगुजीदा बंदों का सबसे घटिया मुकाम है। तो पूछा आला मुकाम क्या है ऊंचा, फरमाया व आलाहा अन यमुर्रा अलद्दारैन मिन गैर अन यल्तफिता इला मन सिवाहु। आला मुकाम अल्लाह वालों का ये है कि सारी कायनात में घूमे, सारी दुनिया में घूमे, गली कूचों बाजार में घूमे, घर बार में घूमे, दुकान और तिजारत में, लोगों की मजलिस में, हलाकात में, सारी दुनिया में चले, मगर एक लम्हे के लिए उसका दिल मौला के सिवा किसी और शय को तक करना देखे। जिसके दिल को ये ताल्लुक बिल्ला नसीब हो जाए और अल्लाह के साथ इस ताल्लुक में सिद्ध को इखलास नसीब हो जाए, फरमाया ये मुकाम मारिफत में सबसे ऊंचा है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे, कुछ लोग इबादत गुजार थे, इबादत गुजारों की जमात भी मोतकिफ बैठे हैं, इबादत गुजार बैठे हैं, एक जमात थी। आपको सिद्क समझा रहा हूं, तलब के तरीके बता रहा हूं, तलब और सिद्क के दर्जे बता रहा हूं और पूरी दुनिया सुन रही है। जो आका के गुलाम उम्मत मुहम्मदी के अफराद, उनकी नीयतें, उनकी तलबें, उनके इरादे, उनकी ख्वाहिशें दुरुस्त करने का रास्ता बता रहा हूं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे, कुछ इबादत गुजार लोग बैठे रो रहे थे, इबादत कर रहे थे, इबादत करते करते साल हा साल से उनके बदन कमजोर हो गए थे, रंग बदल गए थे, निढाल हो गए थे। आपने पूछा मल्लजी बल्लगा बिकुम मारा, ऐ लोगो इबादत गुजारो तुम्हें किस शय ने कमजोरी के इस हाल तक पहुंचा दिया है जो मैं देख रहा हूं, किस शय ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचा दिया। वो कहने लगे कालू अल खौफ मिन नार काल हक्कुन अल्लाह अन युअम्मिन। उन्होंने कहा दोजख के डर ने, दोजख के डर ने यहां तक इस हाल को पहुंचा दिया। ईसा अलैहि सलाम ने दुआ की, फरमाया अल्लाह पर तुम्हारा हक है उसके जिम्मा करम पर
کہ وہ تمہیں دوزخ کے عذاب سے امان عطا کرے گا. یہ کہہ کے چل پڑے. آگے گئے, ایک اور قوم دیکھی عبادت گزاروں کی, وہ بھی سالوں سے عبادت میں بیٹھے ہیں, ان کے رنگ بھی بدل گئے, وہ بھی ہڈیوں کے ڈھانچے ہو گئے, نحیف ہو گئے, حالات ان کے جسم کے دیکھے نہیں جا رہے. ان سے پوچھا, تمہیں اس حال تک کس شے نے پہنچا دیا؟ کہنے لگے, قالوا الشوق الى الجنان, جنت کے شوق نے. ہم نے سال ہا سال عبادت میں روزے رکھے, فاقے کیے, جنت کے شوق میں بیٹھے ہیں. فرمایا, حق علی اللہ ان یؤتیکم ما ترجو, اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے کہ جو چیز طلب کر رہے ہو جنت وہ تمہیں عطا فرمائے گا. یہ دعا کر کے چل پڑے. آگے گئے, ایک اور جماعت ملی, اس جماعت کو بھی دیکھا, ان کے رنگ بھی بدل گئے ہیں, ان کی آنکھیں بھی دھنس چکی ہیں, ان کے جسم ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے ہیں, رو رو کے چہروں پر نشان لگ گئے. رک گئے, پوچھا, تمہیں اس مقام تک کس نے پہنچایا؟ اب ان کا جواب کیا تھا؟ قالو الحب للہ والشوق الیہ, خدا کے عشق نے اور اس کو تکنے کے انتظار نے, اس سے ملاقات کے شوق نے. اللہ کے عشق میں بیٹھے رو رہے ہیں کہ کب وہ لمحہ آئے کہ جب اس سے ملاقات ہو, جب اس کا مکھڑا دیکھے, وہ ہم سے راضی ہو, ہم وہ ہمیں تکے, ہم اس کو تکیں. اس میں بیٹھے ہیں. فقال لهم عیسیٰ علیہ السلام انتم المقربون, فرمایا, اللہ کی قربت پانے والے تم ہی لوگ ہو, تم ہی کو قربت نصیب ہوگی. یہ قربت کی شکل ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں, یہ قربت کا مقام ہے. نتیجتاً اللہ والے پوری زندگی جو محنت کرتے وہ صفائے قلب پہ کرتے تھے, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں صدق پیدا کرتے تھے, محبت میں صدق پیدا کرتے تھے. الصدق فی المحبہ, الصدق فی النیہ, الصدق فی الطلب, الصدق فی المحبہ. اپنی نیتوں کو سچا کرتے اللہ کے لیے, اپنی طلب کو اللہ کے لیے خالص کرتے, اور اپنی محبت کو صرف اللہ کے لیے یکتا کر دیتے. حضرت سید احمد الرفائی روایت کرتے ہیں کہ بعض مشائخ نے روایت کیا کہ دوران طواف اولیاء میں ایک جوان کو دیکھا, وہ مسجد حرام میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. اس کا جسم نڈھال تھا, چہرے پر فقر و فاقہ تھا, کپڑوں سے غربت ٹپکتی تھی. اس کا حال دیکھ کر وہ ولی اللہ فرماتے ہیں, حضرت بایزید بستامی, یہ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا حال دیکھا تو ترس آ گیا. جب ترس آیا تو میرے پاس ایک 100 دینار تھے میری جیب میں, 100 دینار تھے. میں نے چپکے سے اس جوان کے قریب ہوا, رہی تو شابن فی المسجد الحرام. جوانوں, آپ کو ایک جوان کا قصہ سنا رہا ہوں. جوانی کس شے کا نام ہے؟ کون سی جوانی کام آئے گی؟ جوانی کو کس رخ پہ لے جانا ہوگا؟ جوانیوں کو کس طرح بدلنا ہوگا؟ اس جوان کے قریب حضرت بایزید بستامی یا حضرت ذوالنون مصری اس کے قریب ہوئے, ہاتھ میں 100 دینار پکڑ لیے. جب جوان کے قریب ہوئے تو میں نے کہا, میرے حبیب, میرے دوست, یہ 100 دینار ہیں, اس سے اپنی ضروریات پوری کر لینا. دوران طواف چپکے سے اس کے کان میں کہا. فلم یلتفت الیہ, فرماتے ہیں اس جوان نے مجھے تکا ہی نہیں اور میرے 100 دیناروں کو دیکھا ہی نہیں, بے نیازی سے چل پڑا. میں پھر اس کے قریب گیا, دوڑا, اس کی منت سماجت کی, اس کے ہاتھ پکڑ لیے, منت کی اور کہا, خدا کے لیے لے لو, مجھے تمہارے حال پہ ترس آ رہا ہے, تمہارے حال پر. وہ جوان رک گیا, کہنے لگا, یا شیخ ہاذہ الحال لا ابیعها بالجنہ وما فیہا فکیف ابیعها بثمن بخس. وہ جوان مجھے دیکھ کر کہنے لگا, اے بزرگ, یہ میرے جس حال پہ تمہیں ترس آ رہا ہے, خدا کی عزت کی قسم, اگر اس حال کے بدلے مجھے کوئی جنت اور جنت کی ساری نعمتیں دے دے
तो मैं जन्नत लेकर भी ये हाल नहीं दूंगा। तुम्हें क्या खबर इस हाल में मुझे क्या मिलता है। मैं सारी जन्नत के इवज ये हाल नहीं बेचूंगा। और तुम 100 दिरहम और दिनार छोटी सी दुनिया की दौलत दे के मेरा हाल खरीदना चाहते कि ये वो हाल है जब बंदों को अल्लाह के ताल्लुक में सिद्क मिल जाता है और उसकी मोहब्बत में सिद्क मिल जाता है तो वो जिंदगी एक ऐसी कैफ व सुरूर की जिंदगी नसीब होती है। ये दुनिया, ये गुर्बत, ये फक्र, ये फाका उनकी जन्नत से ज्यादा ऐश व आराम की जिंदगी बन जाती है। हजरत अबू मूसा अद्दीबली रिवायत करते हैं, वो हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खादिम थे, फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला का कलाम ख्वाब में सुना और आवाज सुनी। बिस्ताम में सोया हुआ था, बिस्ताम में रही तो फी मनामी कान अल्लाह ताला यकूल, अल्लाह पाक की आवाज सुनी ख्वाब में, अल्लाह फरमा रहे हैं कुल्लुकुम तत्लबून मिन्नी गैर अबी यजीद फइन्नहु यत्लुबुनी व युरीदुनी व अना उरीदु। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों को तुम सब मुझसे तलब करते हो, तुम सब मुझ बोलिए, तुम सब मुझसे तलब करते हो सिवाय बायजीद के, वो मुझसे तलब नहीं करता, वो मुझे तलब करता है, मुझे तलब करता है। चूंकि वो मेरा इरादा रखता है सो मैं उसका इरादा रखता हूं। आलम कश में औलिया को इल्काआत होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम इल्का में हजरत बायजीद बस्तामी से पूछा, ए मेरे बायजीद, मेरे प्यारे बंदे, माजा तुरीद, तू क्या चाहता है, तूने मेरी इतनी इबादत की, दुनिया को छोड़ा, फक्र उठाया, फाका उठाया, रियाजत की, मुजाहदा किया, तकलीफें उठाई, रातों को जागा, इतनी मेहनत की सारी जिंदगी, अब बोल क्या चाहता है तुझे, क्या दूं, जो मांगते हो मांग लो। बायजीद बिस्तामी ने जवाब दिया, अर्ज किया बारी ताला, قال يا الله اني اريد ان لا اريد الا ما تريد। बारी ताला, अगर तूने पूछा ही है कि मैं क्या मांगता हूं तो जो मांगता हूं फिर वो दे दे, वो दे दे, क्या मांगते हो। अर्ज किया बारी ताला, मैं ये चाहता हूं कि जो तू चाहता है इसके सिवा कुछ ना चाहूं, मैं ये चाहता हूं कि जो तू चाहता है बस मैं भी वही चाहूं, और जो तू चाहता है उसके सिवा कुछ और ना चाहूं। मेरा इरादा अपने इरादे में यूं फना कर दे कि मेरी जिंदगी की कोई तरजीह तेरे अम्र के सिवा न रहे, मेरी कोई ख्वाहिश तेरी मोहब्बत के सिवा न रहे, और मेरी कोई तलब तेरे सिवा न रहे। जो तू चाहे वही मैं चाहूं, और जो तू न चाहे वो मैं न चाहूं। ये तलब की आखिरी हद है, ये तलब की आखिरी हद है, ये सिद्क है, तलब में सिद्क है। और जब तलब में सिद्क होता है अल्लाह वालों को, ये हजरत बायजीद बिस्तामी से भी मनकूल है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम से भी मनकूल है, और एक और रिवायत भी है कि मिस्र में औलियाए किबार बड़े अकाबिर औलिया में से एक वलीउल्लाह थे, उनका पूरा जिस्म मरज ज़दा था, सर से पांव तक जख्म खुर्दा थे, जख्मी जख्म थे, जख्मी जख्म थे पूरे जिस्म पर, टीसें उठती थी, तकलीफ होती थी, देखा नहीं जाता था इस तकलीफ में। उस वलीउल्लाह के खुद्दाम ने आके कहा, उन्हें कहा जाता था कि ये इस्म आजम जानते हैं, फकीर लहू लो दाऊ तब इस्म आजम अं यक्षिफ अन का हाजल बला, आप अल्लाह के इतने बरगुजीदा वली हैं, अल्लाह ने आपको इसमें आजम दे रखा है, आप इसमें आजम से अल्लाह को पुकारें और दुआ कर दें ताकि अल्लाह ताला आपकी तकलीफ, दुआ करें इसमें आजम से ताकि आपकी मरज चली जाए, तकलीफ चली जाए। अब देखिए सिद के मोहब्बत क्या है। काल इन्नी लास्ताही मिन्हु अय्यकून अली मुराद
بخلاف مرادہ فرمانے لگے نادان لوگو تم مجھے کہتے ہو کہ میں اسم اعظم سے اس کو دعا کروں کہ میری تکلیف چلا جائے میرا حال سمجھو کہ مجھے حیا آتا ہے کہ میں ممکن ہے اس سے یہ بات کہوں اور اس کا ارادہ یہ نہ ہو تو میں اپنا ارادہ اس کے ارادے کے خلاف کر دوں میں وہ تمنا کروں جو میرا مولا نہیں چاہتا میں وہ خواہش کروں جو میرا مولا نہیں چاہتا لہذا مجھے 100 تکلیفیں قبول ہیں مگر میری راحت اس میں ہے کہ میں وہی چاہوں جو میرا خدا چاہتا ہے وہی چاہوں جو میرا خدا چاہتا ہے حاضرین محترم جب یہ صورت جو میں نے آپ سے کہی یہ وہ صدق یہ صدق ہے توکل میں یہ صدق عالم ہے توکل میں اور پھر یہ صدق محبت میں اس کا کیفیت یہ ہے کہ جب مولا سے یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے محبت میں یہ حضرت امام ابو سعد نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عظیم محدث و گزرے یہ امام بخاری کے زمانے کے بعد کے زمانوں کے لوگوں میں وہ اپنی کتاب تہذیب الاسرار میں لکھتے ہیں تہذیب الاسرار میں کہ محبت میں صدق کا عالم یہ ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض دعا کرتے تھے فضیل ابن عیاض دعا کرتے تھے یقول الہی لو عذبتنی بالنار لم یخرج حبک من قلبی ولا تخرج حبک من قلبی دعا کرتے ہیں میرے مولا اگر تیرا ارادہ بنے قیامت کے دن مجھے دوزخ میں ڈالنے کا یہ کون کہہ رہا ہے حضرت فضیل ابن عیاض کہہ رہے ہیں اگر قیامت کے دن تیرا فیصلہ اور ارادہ ہو مجھے دوزخ میں پھینکنے کا اور تجھے مجھے دوزخ میں پھینک دے میرے مولا میں تیرے ارادے کے خلاف کچھ عرض نہیں کرتا اتنی التجا ہے تو چاہے مجھے دوزخ میں پھینکنا بے شک پھینک التجا یہ ہے کہ دوزخ میں بھی جاؤں تو میرے دل سے تیرا عشق نہ نکلے میرے دل سے تیری محبت خالی نہ ہو دوزخ کا فیصلہ کر تیری مرضی مگر میرے دل سے اپنی محبت سے خالی نہ کرنا یہ فضیل ابن عیاض کی دعا ہے حاضرین محترم یہ امام ابو سعد بیان کرتے ہیں یہ کوئی عام قصہ گو عالم کی بات نہیں امام ابو سعد النیشاپوری المحدث صاحب شرف المصطفیٰ تہذیب الاسرار میں لکھتے ہیں کہ وہ حضرت زلیخہ زلیخہ جو حضرت یوسف پہ عاشق ہوئی تھی اور پورے قرآن نے اس کا واقعہ سنایا پورے قرآن نے اس کا واقعہ سنایا جب مسلمان ہو گئیں یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا پھر یوسف علیہ السلام سے نکاح ہو گیا پھر جب زوجہ بن گئیں تو امام ابو سعد بیان کرتے ہیں کہ جب نکاح ہو کر منکوہ بیوی بن کر اصل خواہش جب پوری ہوئی جب گھر میں آ گئی تو مصلے پہ بیٹھتی تھی اور سارا دن گزر جاتا ساری رات گزر جاتی یوسف علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھا کے تکتی بھی نہ تھی تکتی بھی نہ تھی ایک دن یوسف علیہ السلام نے پوچھا زلیخہ تو مجھ پہ اتنی عاشق تھی کہ ایک قیامت بپا کر دی تھی اور تیرے اس پورے کام میں 9 سال میں نے جیل میں گزارے اور اتنی مشقتوں کے بعد تو میری قربت میں پہنچی اب کیا ہوا کہ اب میرا چہرہ بھی نہیں تکتی زلیخہ نے جواب دیا قالت ذاک حین لم اذق محبت اللہ اے یوسف اس وقت بے خبر تھی اس وقت چکھا نہیں تھا اس لیے عشق کرتی تھی تجھ سے اور سارا ہنگامہ کھڑا کیا اب اس لیے نگاہ نہیں اٹھاتی کہ اب میں نے رب کی عشق اور محبت کا مزہ چکھ لیا ہے اب عشق الہی سے فرصت ملے تو اپنے شوہر کا چہرہ دیکھو اب لذت عشق الہی کی چکھ لی ہے لذت عشق الہی کی چکھ لی ہے اسی طرح امام ابو سعد روایت کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض کتب میں یہ حدیث میں بھی آیا ہے ائمہ تفسیر نے لکھا ہے لیکن جنید بغدادی کا قول والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے عشق اور محبت کرتے ہیں
اس کی تفسیر میں حضرت جنید بغدادی نے کہا ان اہل سندھ والہند، اس وقت کہا کہ سندھ کے رہنے والے اور ہندوستان کے رہنے والے، سندھ اور ہند کے رہنے والے، یہ حضرت جنید بغدادی فرما رہے ہیں، چونکہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور حدیث پاک میں تمام کفار و مشرکین کا ذکر آیا، بتوں کے پجاری قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا، ان کے سامنے ان کے بت پھینک دیے جائیں گے دوزخ میں، اور مشرکوں کو کہا جائے گا یہ وہ بت ہیں جن سے محبت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ان کو دوزخ میں پھینکا، جاؤ تم ان کی محبت میں اسی دوزخ میں چھلانگ لگا دو، چلے جاؤ۔ کل کفار و مشرکین انکار کر دیں گے، کہیں گے یہ دوزخ میں جلتے رہے، ہم نہیں جاتے، ہمیں اے اللہ بچا لے۔ جب وہ یہ منظر دیکھیں گے کہ جن سے دنیا میں محبت کا نام لیتے تھے قیامت میں ان کو چھوڑ دیں گے، اللہ پاک پھر اپنے عاشقوں کا حال پوری دنیا کو دکھائے گا کہ دنیا کے عاشقوں کا حال دیکھا، ان بتوں کے عاشقوں کا حال دیکھا، ان بتوں کے پجاریوں کا حال دیکھا، اب میرے عاشقوں کا حال دیکھو۔ اب آواز دے گا کہاں ہیں مجھ سے عشق کرنے والے، کہاں ہیں مجھ سے محبت کرنے والے، کہاں ہیں راتوں کے اندھیروں میں اٹھ اٹھ کر میری یاد میں رونے والے، کہاں ہیں میری ملاقات کے لیے تڑپنے والے۔ تو پوری قیامت میں آقا کی امت میں سے اللہ کے عاشق کھڑے ہو جائیں گے، باری تعالیٰ ہم ہیں، انہیں اللہ پاک حکم فرمائے گا ادخل النار، جاؤ میرا حکم ہے دوزخ میں چلے جاؤ۔ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ اِذْ أَمَرْتَنَا، حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ وجد کرتے کرتے چھلانگ لگا دیں گے اور کہیں گے مولا اگر تیرا امر ہے تو دوزخ بھی جنت ہے، چھلانگ لگا دیں گے۔ فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ وَالَّذِي آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جنید بغدادی کہتے ہیں یہ معنی ہے اس بات کا کہ ایمان والے اللہ سے اتنا عشق کریں گے۔ دوستو بات ختم کرتے ہوئے ایک جوان کا قصہ ہے، اپنے ذوق کے لیے میں نے کئی بار بیان کیا مگر اسی قصے پر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر دعا کی مجلس ہوگی۔ میرا ذوق ہے اس قصے میں، میرا ایک کیف ہے، مجھے ایک سرور ملتا ہے، اس میں ایک پیغام ہے آپ کے لیے، پھر آپ کو پیغام بھی اس سے دینا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی بیان کیا، آج کئی بار، آج پھر سنیں۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں جن لوگوں کے آپ نے نام سنے، کتنا اچھا دور تھا جس زمانے میں وہ لوگ تھے، جس زمانے میں وہ نفوس قدسیہ تھے۔ ہمارا دور تو سگان دنیا کا دور ہے، یہ دنیا کے کتوں کا دور ہے۔ مولا ہمیں کس دور میں بھیجا، نہ کوئی فضیل رہا، نہ کوئی ابراہیم بن ادھم رہا، نہ کوئی بایزید بستامی رہا، نہ کوئی بشر حافی رہا، نہ کوئی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رہا، نہ کوئی شاہ نقشبند اور مجدد الف ثانی رہا، نہ تا داتا گنج بخش علی حجویر رہے، نہ حضور خواجہ اجمیر رہے۔ دور وہ تھے، زمانے وہ تھے، جب اللہ کے خاصان بندگان جن کی توجہ دل کی سوائے مولا کے کہیں اور نہ ہوتی، ان کی مجلس سے بھی لوگوں کو اللہ کے عشق و محبت کے تحفے ملتے ہیں۔ جو آتا وہ دل اور روح کو اللہ کا طالب بنا کے جاتا۔ ہمیں حب دنیا نے برباد کر دیا، ہم طالبان دنیا ہو گئے لوگوں، ہمارے کال جھوٹے ہو گئے، ہمارے عمل جھوٹے ہو گئے، ہماری نیتیں باطل ہو گئیں، ہماری طلب باطل ہو گئی، ہمارے ارادے باطل ہو گئے، ہمارے اعتماد جھوٹے ہو گئے، ہماری محبتیں باطل ہو گئیں۔ آؤ پلٹ کر انہی راہوں کی طرف آ جاؤ جن راہوں پر اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے، اللہ کی عطا ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ جوانوں زندگیوں کو بدل لو، جوانوں زندگیوں کو بدل لو۔ یہ چند روزہ زندگی، 20-50-70-80 برس کی زندگی کچھ نہیں، آنکھ بند ہو جانی ہے،
मरने के बाद खत्म न होने वाली जिंदगी शुरू होने वाली है। उस जिंदगी में लज्जत और कैफ और राहत उसी को होगी जो मौला को हो चुका होगा, जिसने इस जिंदगी में मौला को पा लिया होगा। और जो आज मौला को भूल जाएगा, अगली जिंदगी में अल्लाह उसको भुला देगा। आइए जवानों, अपनी जिंदगियां बदलने के लिए इस जवान का किस्सा सुनो। हजरत जुन्नून मिस्री घर से निकले, हम आतन गोश होकर मेरी बात सुनो, हम आतन सर से पांव तक कान बनकर जुन्नून मिस्री घर से निकलते हैं। उनके भाई हजरत अब्दुल हादी उनके साथ हैं। उन्होंने रास्ते में देखा कि छोटे छोटे बच्चे एक जवान को पत्थर मार रहे हैं, कंकरियां मार रहे हैं एक जवान को। खूबसूरत जवान है और वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता, वो खड़ा उनके पत्थर खाए जा रहा है। फकाल अलहम अखी, हजरत अब्दुल हादी कहते हैं कि मेरे भाई हजरत जुन्नून मिस्री ने उनसे कहा, कालू मा तुरीदून मिन हो, तुम इस जवान को क्यों मारते हो? इस जवान को क्यों मारते हो? कालू हाजा रजल मजनून व माजाल का यजम अन्नहु यरल्लाह ताला। उन्होंने कहा ये पागल आदमी है, ये मजनू है, ये पागल है। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी भाइयों बहनों, सुनो, मेरी आरजू है कि कुछ ऐसे जवान फिर जमाने में भी पैदा हो जाएं, कुछ जवानों की जिंदगियां यूं बदल जाएं, कुछ जिंदगियां ऐसी हो जाएं कि उनमें अगले जमानों की झलक आ जाए। पूछा तुम क्यों मारते हो, क्या लेना है इससे? कहने के ये पागल है, मजनू है, और दावा करता है कि मैं अल्लाह को देखता हूं, अल्लाह का दीदार करता हूं। मेरे भाई हजरत जुन्नून मिस्री ने मुझसे कहा, हजरत अब्दुल हादी से बुला के कहा कि आओ, ये कोई काम का जवान लगता है। हाय हाय हाय, मुख्तलिफ आदमी काम का जवान लगता है। फदनऊ ना मिनहु, आओ इसके करीब हो के देखें, इससे जरा बातचीत करें। करीब हुए, फैजा हुआ शाबुन वसीमुन, करीब हुए, वो बड़ा खूबसूरत जवान था, पत्थर खा रहा था गलियों में, खूबसूरत जवान था। और फरमाते हैं उसके माथे चेहरे पर मारिफत के आसार थे, आरिफ लगता था। फसल्लमना अलैहि, हमने उसको सलाम किया। व कुलना इन्नहुम यज़्मूना अन्नका तद्दी रुयत अल्लाह तआला, ये लड़के कहते हैं कि तुम ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह को देखते हो। तो वो जवान कहने लगा, इलाही कानी, आप मुझे छोड़ के चले जाएं और मेरे साथ न उलझे, मेरा हाल कुछ और है। क्या मामला है? जुन्नून मिस्री पूछते हैं। वो कहते हैं ये तो बच्चे कहते हैं कि मेरा दावा है कि अल्लाह को देखता हूं। लो फकत तो हूं अकल मिन तुरफत आईन लमुत तो मिन साथी, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर एक लम्हा मौला का चेहरा मेरी आंखों से ओझल हो जाए तो मेरी मौत वाकई हो जाए। मैं कहता हूं वो मेरी आंखों से ओझल ही नहीं होता, देखना क्या है, वो ओझल ही नहीं होता। ये कहकर उस जवान ने शेर पढ़े, हाय हाय हाय, दो शेर पढ़ दिए और कहा, तलबुल हबीब मिनल हबीब रिदाहु वमुनल हबीब मिनल हबीब लिकाहु। उसने कहा दोस्त का दोस्त को तलब करना, दोस्त दोस्त को तलब करे ये उसकी रजा होती है, और दोस्त दोस्त को चाहे तो ये उसकी मुलाकात और लिखा होती है। और मैं हर लम्हा उससे इश्क और दिल की आंख से तकता रहता हूं, सर की आंख से नहीं, दिल की आंख से तकता रहता हूं। वल कल्ब यअरिफु रब्बहु व यराहु, और दिल उसको देखता भी है, उसको जानता भी है, उसका मुशाहदा भी करता है, उसकी मारिफत भी रखता है। जब ये बातें की शेर में,
तो हजरत जुन्नून मिस्री कहने लगे, वो कुल तरु अमजनून अंता, ए जवान तू पागल है, ये तुझे मजनू कहते, तुझे पागल कहते। काल अम्मा عند اهل الارض فنعم واما عند اهل السماء فلا, हां अगर जमीन वालों से पूछो, इस जमाने वाले जमीन वालों से पूछो तो मैं पागल ही हूं, अगर आसमान वालों से पूछो तो कहेंगे नहीं पागल नहीं आरिफ है। तो फिर हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं, अच्छा जवान ये बता दो कैफ हालुका मअल मौला, उस मौला के साथ तेरा हाल कैसा है, अपने मौला के साथ तेरा हाल क्या है। फकाल मुनजु अरफ्तहु मा जफौतहु, उसके साथ मेरा हाल पूछते हो, जिस दिन से उससे आंख लग गई है और जिस दिन से मौला से शनासाई हो गई है उस दिन से उसकी बेवफाई नहीं की, जब से उसकी शनासाई हुई है तब से उसकी बेवफाई नहीं की। जवानों मेरा जुमला सुनो, इसे अपनी कल्ब रूह में उतारो। वो जवान कहता है जब से उसका शनासा हो गया हूं तब से उसका बेवफा नहीं बना। हाय हाय, हजरत जुन्नून मिस्री ने फिर पूछा फकुल तो मुनजु कम अरफ्ता, अच्छा कब से शनासाई हो गई है उससे, कितना अरसा हो गया शनासाई को। काल मुनजु जाला इस्मी फिल मजानीन, जब से उसने मुझे जमीन वालों में पागल मशहूर कर दिया, जब से उसने मुझे जमीन वालों में पागल मशहूर कर दिया वो तब से उसके साथ मेरी शनासाई हो गई है। हाजरीन मोहतरम, ये सारा सिद्क फिल मोहब्बा है, ये मोहब्बत में सिद्क है कि मोहब्बत जब अल्लाह से हो जाए तो फिर अल्लाह का बंदा इस तरह होता है कि अल्लाह के सिवा न किसी की तलब दिल में रहती है, न कोई गैर की ख्वाहिश दिल में रहती है, न किसी की तरजीह होती है, न किसी को याद करता है, न किसी की परवाह करता है, न किसी का खौफ रहता है, न किसी का डर रहता है, न बंदा किसी का तालिब व आशिक होता है। वो फिर अल्लाह पाक के साथ जिस बंदे का ऐसा ताल्लुक हो, फिर अल्लाह फरमाता है कि कान अल्लाह हो व मालना लहू, जो अल्लाह और अल्लाह का जो कुछ है वो कहता है बंदे सारा तेरा ही हो गया है, मैं भी तेरा हूं और मेरी कायनात भी तेरी है। दोस्तों आइए हम सिद्क और सच्चाई के इस माना को जानें और कोशिश करें कि अपने कौल में भी ये सच्चाई पैदा करें, अपने अमल में भी पैदा करें, अपनी नियतों में भी पैदा करें, अपनी तलब को भी सच्चा कर लें और हर गैर की आलूदगी से बचा लें, अल्लाह पे तवक्कुल को भी सिद्क पर मबनी और कायम कर लें और अल्लाह से मोहब्बत भी सिद्क पर कायम कर लें। अगर ऐसा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए तो उसके जो इनामात अगले जमानों के लोगों पर होते थे वो इनामात के दरवाजे आज भी हुजूर की उम्मत के लोगों पर खुलेंगे। अल्लाह की नेमतें खत्म नहीं हुई, वो आज भी वही कर्म करेगा जो पहलों पे करता था। हम बेवफा हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ने अपनी वफा और अता का चेहरा और रुख नहीं मोड़ा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे कर्म करे और आज 27वीं शब हमें एक ऐसी तौबा की तौफीक अता करे, ऐसी तौबा की तौफीक दे अल्लाह ताला कि जिसके नतीजे में हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने ईमान को अपने ताल्लुक को सिद्क के साथ उस्तवार करने वाले बन जाए और दुनिया और आखिरत में फकत अल्लाह की तलब और अल्लाह की रजा और अल्लाह की ज़ात ही और उसकी खुशनूदी ही हमारी मकसूद नज़र मुंतहा नज़र हमारी आरजू और तमन्ना रहे। और ये तब्दीली अल्लाह पाक हम सब की जिंदगियों में बेटे बेटियां जवान मर्द औरतें कुल पाकिस्तानी कौम आलम इस्लाम के तमाम अफराद सब की जिंदगियों में अल्लाह ये तब्दीली पैदा कर दे कि हम अल्लाह के हो जाएं और अल्लाह हमारा हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।